प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शालिनी मूलचंदानी, सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत रीतिकालीन कवि बिहारी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। बिहारी लाल का नाम हिंदी साहित्य के रीतिकाल के कवियों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाकवि बिहारी लाल का जन्म 1595 के लगभग ग्वालियर में हुआ। वे जाति के माथुर चौबे थे। उनके पिता का नाम केशव राय था। उनका जन्म बुंदेलखंड में कटा और युवावस्था ससुराल मथुरा में व्यतीत हुई, जैसे कि निम्न दोहे से प्रकट होता है। जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुघर मथुरा बसी ससुराल। जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह अपनी नई रानी के प्रेम में इतने डूबे रहते थे कि वे महल से बाहर भी नहीं निकलते थे और राजकाज की ओर कोई ध्यान नहीं देते थे। मंत्री आदि लोग इससे बड़े चिंतित थे, किंतु राजा से कुछ कहने की शक्ति किसी में नहीं थी। बिहारी ने यह कार्य अपने ऊपर लिया और उन्होंने निम्नलिखित दोहा किसी प्रकार राजा के पास पहुंचाया। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल। इस दोहे ने राजा पर मंत्र जैसा कार्य किया। वे रानी के प्रेम पाश से मुक्त होकर पुनः अपना राजकाज संभालने लगे। वे बिहारी की काव्य कुशलता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बिहारी से और दोहे रचने के लिए कहा और प्रति दोहे पर एक अशर्फी देने का वचन दिया। बिहारी जयपुर नरेश के दरबार में रहकर काव्य रचना करने लगे। वहां उन्हें पर्याप्त धन और यश मिला और 1664 में उनकी मृत्यु हुई। बिहारी की एकमात्र रचना सतसई है। यह मुक्तक काव्य है और इसमें 719 दोहे संकलित हैं। बिहारी सतसई श्रृंगार रस की अत्यंत प्रसिद्ध और अनूठी कृति है। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक अनमोल रत्न माना जाता है। बिहारी लाल की कविता का मुख्य विषय श्रृंगार है। उन्होंने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का वर्णन किया है। संयोग पक्ष में बिहारी लाल ने हाव भाव और अनुभवों का बड़ा ही सूक्ष्म चित्रण किया है। उसमें बड़ी मार्मिकता है। संयोग का एक उदाहरण देखिए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोहन हसे देन कहे नटी जाए। बिहारी का वियोग वर्णन बड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण है। यही कारण है कि इसमें स्वाभाविकता नहीं है। विरह में व्याकुल नायिका की दुर्बलता का चित्रण करते हुए उसे घड़ी के पेंडुलम जैसा बना दिया गया है। इत आवत चली जात उत चली छसातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उसासन साथ। सूफी कवियों की उहात्मक पद्धति का भी बिहारी पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। वियोग की आग से नायिका का शरीर इतना गर्म है कि उस पर डाला गया गुलाब जल बीच में ही सूख जाता है। ओंधाई सीसी सुलखी बिरह विथा बिलसात, बीचे ही सूखी गुलाब गो छीटो छुयो नगात। बिहारी मूलतः श्रृंगारी कवि हैं। उनकी भक्ति भावना राधा कृष्ण के प्रति है और वह जहाँ तहाँ ही प्रकट हुई है। सतसई के प्रारंभ में मंगलाचरण का यह दोहा राधा के प्रति उनके भक्ति भाव का ही परिचायक है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। बिहारी ने नीति और ज्ञान के भी दोहे लिखे हैं, किंतु उनकी संख्या बहुत कम है। धन संग्रह के संबंध में एक दोहा देखिए। मीत न गीत नीत गलित यह, जो धन धरिए जोरी, खाए खर्चे जो बचे तो जोरिए करोर। भाषा। बिहारी की भाषा साहित्यिक ब्रजभाषा है। उसमें सूर की चलती ब्रजभाषा का विकसित रूप मिलता है। पूर्वी हिंदी, बुंदेलखंडी, उर्दू,
फारसी आदि के शब्द भी उसमें आए हैं, किंतु वे लटकते नहीं हैं। बिहारी का शब्द चयन बड़ा सुंदर और सार्थक है। शब्दों का प्रयोग भावों के अनुकूल ही हुआ है और उनमें एक भी शब्द भारती का बाहर का प्रतीत नहीं होता। बिहारी ने अपनी भाषा में कहीं कहीं मुहावरों का भी सुंदर प्रयोग किया है, जैसे मूड़ चढ़ायो रहो फरियो पीठ कछ भार, रहे गिरी परी राखिबो तऊ हिये परहार। शैली। विषय के अनुसार बिहारी की शैली तीन प्रकार की है। पहली माधुर्यपूर्ण व्यंजना प्रधान शैली, जो श्रृंगार के दोहों में परिलक्षित होती है। दूसरा प्रासाद गुण से युक्त सरस शैली, जो भक्ति और नीति के दोहों में परिलक्षित होती है। और तीसरा चमत्कार पूर्ण शैली, जिसमें दर्शन ज्योतिष गणित आदि विषयक दोहे समाहित हैं। रस। यद्यपि बिहारी के काव्य में शांत हास्य करुण आदि रसों के भी उदाहरण मिल जाते हैं, किंतु मुख्य रस श्रृंगार ही है। छंद। बिहारी ने केवल दो ही छंद अपनाए हैं, दोहा और सोठा। दोहा छंद की प्रधानता है। बिहारी के दोहे समास शैली के उत्कृष्ट नमूने हैं। दोहे जैसे छोटे छंद में कई कई भाव भर देना बिहारी जैसे कवि का ही काम था। अलंकार। अलंकारों की कारीगरी दिखाने में बिहारी बड़े पटु हैं। उनके प्रत्येक दोहे में कोई न कोई अलंकार अवश्य आ गया है। किसी किसी दोहे में तो एक साथ कई कई अलंकारों को स्थान मिला है। अतिशयोक्ति अन्योक्ति और सांग रूपक बिहारी के विशेष प्रिय अलंकार हैं। अन्योक्ति अलंकार का एक उदाहरण देखिए। स्वारत सुकृत नश्रम वृथा देख विहंग विचार, बाज पराए पानी पर तू पंचिन्न मार। साहित्य में स्थान। किसी कवि का यश उसके द्वारा रचित ग्रंथों के परिमाण पर नहीं गुण पर निर्भर होता है। बिहारी के साथ भी यही बात है। अकेले सत्सई ग्रंथ ने उन्हें हिंदी साहित्य में अमर कर दिया। श्रृंगार रस के ग्रंथों में बिहारी सत्सई के समान ख्याति किसी को नहीं मिली। इस ग्रंथ की अनेक टीकाएं हुई और अनेक कवियों ने इसके दोहे को आधार बनाकर कवित्त छप्पे सवैया आदि छंदों की रचना की। बिहारी सत्सई आज भी रसिक जनों का काव्यहार बनी हुई है। कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समास शक्ति के कारण सत्सई के दोहे गागर में सागर भरे जाने की उक्ति चरितार्थ करते हैं। उनके विषय में ठीक ही कहा गया है, सत्सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। अपने काव्य गुणों के कारण ही बिहारी महाकाव्य की रचना न करने पर भी महाकवियों की श्रेणी में गिने जाते हैं। उनके संबंध में स्वर्गीय राधा कृष्ण दास जी की यह उक्ति बड़ी सार्थक है कि यदि सूर सूर हैं तुलसी शशि और उड़गन केशव दास हैं, तो बिहारी उस पीयूष वर्षी मेघ के समान हैं जिसके उदय होते ही सबका प्रकाश आच्छन्न हो जाता है। बिहारी के काव्य का एक पक्ष भक्ति से संबंधित भी है। हालांकि इनकी भक्ति भावना रीतिकालीन परिस्थितियों के अनुकूल प्रेम और श्रृंगार प्रधान है। बिहारी ने राधा कृष्ण के प्रति इस प्रकार भक्ति भावना प्रकट की है। मेरी भववाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। बिहारी का अभिव्यक्ति पक्ष अत्यंत मजबूत है। भाषा की दृष्टि से देखें तो उनका काव्य गागर में सागर के समान है, जहां एक एक दोहे में भाषा की समास व भावों की समाहार क्षमता दिखाई देती है। कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत हैं नैनन ही सो बात। बिहारी के शिल्प का एक अन्य मजबूत पक्ष उनकी बिंब योजना है। बिहारी सत्सई का प्रत्येक दोहा बिंबों का भंडार है। अनुभाव आधारित श्रृंगार
और दरबारी वातावरण के कारण यह विशेषता कुछ ज़्यादा ही दिखाई देती है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोहन हंसे, देन कहे नटी जाए। इस प्रकार बिहारी की अलंकार योजना भी विशिष्ट है। उनका काव्य अलंकारों की विविधता हेतु प्रसिद्ध है, जहाँ रूपक, उपमा, विरोधाभास और अतिशयोक्ति की छटा देखने को मिलती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वे अनुभूति एवं अभिव्यक्ति पक्ष की सभी रीतिकालीन विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी कारण वे रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में भी स्थापित हैं। धन्यवाद मित्रों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।